हेलो टू एवरी वन आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिमन्यू आई एस यूट्यूब चैनल एंड टूडे वी आर गोइंग टू कवर द फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ फेब्रवरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ पंजाब स्टेट सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ दैट वी हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसज एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप किसी भी स्टेट के हैं वो आप घर पे बैठ के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर अभिमन्यु के साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड वी हैव सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ सिलेक्शन इन दीज एग्जामिनेशन कंसिस्टेंटली फॉर ट्वेंटी टू राइट सो यहाँ पे आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं नंबर इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन कॉन्टैक्ट इन द लिंक दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो राइट सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन विद द इम्पोर्टेंट न्यूज नंबर वन देखिए ऑब्वियसली इलेक्शन का टाइम चल रहा है और इलेक्शन के टाइम पे लोगों को अवेयर करने के लिए uh, जो चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर हैं पंजाब के उन्होंने एक इलेक्ट्रल uh, मैस्कॉट जो है उसको uh, किया है तो इसके अंदर क्या है ऑब्वियसली इस मैस्ट का नाम है शेरा राइट सो ये है पंजाब इलेक्शन का ऑफिशियल इलेक्ट्रल मैस्कॉट शेरा राइट और इसमें उन्होंने क्या बताया है जो सीईओ है करुणा राजू ही सेड दैट शेरा ड्रेस्ड इन अ ट्रेडिशनल पंजाब क्लोथिंग दैट इज रिप्रेजेंटिंग द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ पंजाब राइट और इसका जो मैस्कॉट है इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है टू इंक्रीज द वोटर अवेयरनेस कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोटिंग uh, अपना जो राइट right है उसको बेनिफिट uh, उठाएं एंड पार्टिसिपेट करें इन द अपकमिंग पोल्स एंड प्रमोट दी एथिकल वोटिंग एंड ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये सारा प्रमोशन जो हो रहा है दैट इज़ हैपनिंग अंडर द सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन प्रोजेक्ट ठीक है सो इस प्रोजेक्ट के तहत जो है ये सारा जो प्रमोशनल चीज़ें चल रही हैं ताकि वोटर को अवेयर किया जा सके राइट एंड वो अपना जो है वोटिंग राइट्स यूज़ करें ओके एंड अगेन एक छोटी सी न्यूज़ है एक वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है कि जो अमृतसर है एक अमृतसर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्राइड मोमेंट है बिकॉज जो सिटी अमृतसर सिटी के आईपीएस हैं आईपीएस डॉक्टर नितिन दीप ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे ट्वेंटी ट्वेंटी टू राइट सो ये नाम जरूर याद रखियेगा आई पी एस डॉक्टर नितिन दीप ठीक है क्योंकि इनको प्रेजिडेंट पुलिस मेडल मिला है फॉर द मेरिटोरियस सर्विस राइट चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगेन एग्रीकल्चरल इशू के ऊपर दैट इस साल जो है जो हाईएस्ट प्रिक्वायरमेंट है पैडी की इन दिस सीजन कौन सा सीजन है खरीफ मार्केटिंग सीजन 2021 से 22 तक का तो ये हाईएस्ट प्रिक्योरमेंट पैडी की जो है वो खरीफ मार्केटिंग सीजन के अंदर फ्रॉम द फार्मर्स हैज बीन फ्रॉम इन द पंजाब इन द कंट्री विद दिस मच ऑफ मेट्रिक टन ठीक है तो सबसे ज्यादा जो प्रिक्योरमेंट है वो पंजाब से ही हुई है बाकी जगहों से भी हुई है फॉर एग्जाम्पल वी हैव हरियाणा हिमाचल जम्मू एंड कश्मीर उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल राइट अभी तक जो है 64.07 लाख फार्मर्स जो है दे हैव बीन बेनिफिटेड अंडर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस वैल्यू ऑफ दिस मच ऑफ करोड़ एज पर द डेटा रिलीज एज पर द डेटा रिलीज बाय द यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ पैडी प्रिक्योरमेंट राइट सो इस साल जो है खरीफ मार्केटिंग सीजन के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रिक्योरमेंट हुई है वो हुई है पंजाब से राइट और इस दिस मच ऑफ फार्मर्स दे हैव गॉट द बेनिफिट अंडर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ओके और दैट्स इट ये डेटा रिलीज किया है इस मिनिस्ट्री ने आप इस डेटा को भी याद रखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हिस्टोरिकल पॉइंट के ऊपर दैट रिसेंटली एक बुक है जिस बुक का नाम है एक पिक्टोरियल बुक है जिसका नाम है इंडियाज वेमेन अनसंग हीरो द ब्रेफ वुमेन ऑफ आर फ्रीडम स्ट्रगल ठीक है सो so, इस बुक का टाइटल क्या है इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज द ब्रेफ वुमेन ऑफ आर फ्रीडम स्ट्रगल सो इसमें जो है uh, बीस uh, महिलाओं के बारे में फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताया हुआ है और उन्ही बीस फ्रीडम फाइटर्स में से दो फ्रीडम फाइटर हैं वो कहाँ से बिलोंग करती हैं दे बिलोंग टू पंजाब So, सो जिस, जिसमें है एक है दुर्गावती देवी और दूसरा है गुलाब कौर ठीक है सो ये दो फ्रीडम फाइटर्स है पंजाब से जो इस किताब के अंदर आई हैं और इनके इनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है ठीक है सो लेट्स टॉक अबाउट दुर्गावती देवी ठीक है दुर्गावती देवी के ऊपर हम लोग बात करते हैं पर उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो किताब है पिक्टोरियल बुक है ये लाई है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन पार्टिसिपेशन विद द अमर चित्र कथा कॉमिक्स जो आपने हाँ, हमने हमेशा कुछ ना कुछ इसके बारे में पढ़ाई या अमर कथा की किताबें पढ़ी हैं एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन विच वॉज़ रिलीज बाय द मिनिस्ट्री यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ कल्चर दैट इज़ मीनाक्षी लेखी के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया दुर्गावती देवी के बारे में ये uh, समझना ज़रूरी है कि उन्होंने क्या किया था जब भगत सिंह ने जॉन सॉन्डर्स को गोली मारी थी राइट right? लाहौर के अंदर जब जॉन सॉन्डर्स को गोलियां मा, मारी मारी थी उन्होंने तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया उन्होंने लाहौर से कोलकाता की तरफ जाना शुरू कर दिया एस्केप करना शुरू कर दिया वहां से निकलना शुरू कर दिया तो इसी जर्नी के दौरान जो है उनका साथ जो है दुर्गावती देवी ने दिया था राइट right? दुर्गावती देवी ने उनकी वाइफ का रोल प्ले किया था जब वो एस्केप कर रहे थे लाहौर से कोलकाता की तरफ ओके okay. और दुर्गावती देवी को वैसे रेवोल्यूशनरी जो ग्रुप थे है ना जो क्रांतिकारी जो ग्रुप था उसमें इनका नाम रखा जाता था इनका ना, इनका नाम था दुर्गा दुर्गा भावी ठीक है इनका नाम क्या था दुर्गा भावी रिमेंबर वन थिंग दिस दिस होल आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिम्स में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड है राइट right? तो uh, दुर्गावती देवी का रेवोल्यूशनरी uh, क्रांतिकारी ग्रुप के अंदर दुर्गा भावी इनका नाम रखा गया था राइट right? और उस टाइम पे भगत सिंह जब वो वहाँ से एस्केप कर रहे थे लाहौर से कोलकाता की तरफ तो उन्होंने ड्रेस अप किया था इन द वेस्टर्न अटायर ताकि वो अपने को छुपा सके ठीक है वो अपने आप को क्रांतिकारी ना दिखाएं छुपा सके ब्रिटिशर्स की चेकिंग वगैरह से ठीक है और वेस्टर्न अटायर और दुर्गावती ने वो किया था अ वेरी एक्सपेंसिव साड़ी साड़ी और गॉगल्स पहने हुए थे टू तो प्ले हर पार्ट एज अ वाइफ ऑफ अ फैशनेबली ड्रेस्ड हजबेंड ठीक है ओ, ओके सो इतना आप ध्यान दीजिएगा इसके अलावा जैसे कोलकाता में पहुंचे दुर्गावती देवी और भगत सिंह तो उस टाइम पे क्या हुआ कि भगत सिंह और उनके एसोसिएट्स को रिसीव किया गया रेलवे स्टेशन में दी दुर्गावती रियल लाइफ हस्बैंड जिनका नाम क्या था भगवती चरण बोरा आपने ये जरूर पर्सनालिटी का नाम आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर सो so, भगवती चरण वोहरा ने जो दुर्गावती देवी के रियल हस्बैंड थे उन्होंने रिसीव किया और इस तरीके से वो सारी चीज़ें हुई राइट दैट्स इट अबाउट इनके बारे में अब हम लोग बात करते हैं गुलाब कौर के बारे में तो गुलाब कौर जो है ये गदराइट थी मतलब ये गदर पार्टी से बिलोंग करती थी और इन्होंने और इनके हस्बैंड ने जिनका नाम था मान सिंह क्या नाम था मान सिंह था इन्होंने फिलिपीन से ये इंडिया की तरफ आए और इंडिया में इन्होंने मोबिलाइज करना शुरू कर दिया लोगों को क्योंकि गदर राइट्स ने क्या किया उन्होंने लोगों को एक तरीके से इकट्ठा करना एकजुट करना शुरू कर दिया ताकि एक इंस्टेंट एक्शन किया जा सके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स राइट तो वैसे ही इन्होंने भी किया लोगों को मोबिलाइज किया मासेस को मोबिलाइज किया अगेंस्ट ब्रिटिश रूल राइट और इस तरीके से ब्रिटिश रूल जो है अगेंस्ट uh, इनके अगेंस्ट ये किया गया था अब ए, अब एक एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है गुलाब कौर के बारे में कि रिसेंटली एजुटेशन चल रहा था फार्मर्स के थ्रू फार्मर्स uh, जो है एजिटेशन कर रहे थे प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द कॉन्ट्रोवर्शियल फार्म लॉज जो कि अभी रिपील हो चुके हैं ठीक है तीन जो uh, किसान कानून थे उसको जो है खत्म कर दिया गया है तो उनके अगेंस्ट जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो उस टाइम पे टिकरी बॉर्डर आपको याद होगा टिकरी बॉर्डर तो यहां पे जो है एक हॉल बनाया गया हॉल वाज नेम्ड आफ्टर गुलाब कौर बाय द फार्मर्स एट द प्रोटेस्ट साइट एट टिकरी बॉर्डर मतलब वहां पे जो हॉल था उसको नेम किया गया गुलाब कौर हॉल ठीक है टू रिस्पेक्ट द गुलाब कौर दिस right? राइट में ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस दिस ऑल न्यूज़ करंट वेल हमने जो स्टैटिक पार्ट है हिस्ट्री वाला वो भी कवर कर लिया अब इसके बाद हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं ठीक है दैट इज टू हंड्रेड इयर ओल्ड दर्शनी देवरी गेट्स ऑफ गोल्डन टेम्पल आर ऑन डिस्प्ले 200 साल पुराने जो है दर्शनी देवरी गेट्स जो है वो गोल्डन टेम्पल के वो डिस्प्ले पे हैं ठीक है, so, सबसे पहला सवाल आता है कि किसने ये दर्शनी द्योरी गेट्स हैं, इसको इंस्टॉल किया था इनका नाम था ठीक तो है थोड़ा और पढ़ लेते हैं जैसे कि एसडीपीसी चीफ हरजिंदर सिंह धम्मी जो है उन्होंने कहा कि ओरिजिनल गेट्स जो है दे अ स्पेशल ग्लास इंक्लोजर फॉर द पिलग्रिम्स पर्पस इज टू प्रिजर्व एज एज अ पार्ट ऑफ दिख हिस्ट्री एंड अपराइज दस अबाउट उनके बारे में बताना ये सारी चीजें इसका ऑब्जेक्टिव है नेक्स्ट अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि मोगा ग्रीन मार्केट मोगा की जो अनाज मंडी है वहां पर काफी टाइम से जो माइग्रेंट है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें भी बेनिफिट दिया जाना चाहिए जो चीफ मिनिस्टर की एक स्कीम है प्रोग्राम है जिसका नाम है स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम बसेरा तो इसमें हमें भी बेनिफिट मिलना चाहिए ठीक है तो ये मोगा के ग्रीन मार्केट में इस तरीके से थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है वॉट इज बसेरा है ना सो ये है चीफ मिनिस्टर स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम बसेरा विच एम टू हेल्पिंग द स्लम डर स्लम जो है उनको हेल्प करना रिलाइज द ड्रीम ऑफ ओइंग ओनिंग द होम राइट कि कई सारे अर्बन एरियाज में स्लम एरियाज बन जाते हैं जो होते तो गवर्नमेंट के ऊपर ही है गवर्नमेंट लैंड के ऊपर होते हैं तो उन लोगों को क्या किया जाएगा इस स्कीम के तहत उनको उनका घर दिया जाएगा उनको उनकी प्रोप्राइटरीशिप दी जाएगी ठीक है कि हाँ चलो अब ये आपका ही घर होगा मतलब कहीं और अलग जगह बना के जो है वहां पे उनके लिए कंस्ट्रक्शन करके घर दे दिया जाएगा अब देखिए पंजाब वाज़ द फर्स्ट स्टेट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट पंजाब वाज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री

करना शुरू कर देते हैं ठीक है तो धीरे-धीरे वो बढ़ता जाता है नंबर तो इसीलिए उनको हटा तो दिया जाएगा बट एट द सेम टाइम उनके लिए उनके लिए नया घर भी बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी बनाया जाएगा अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम राइट चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पंजाब अह दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना 2022 पर्सन विद डिसेबिलिटीज राइट सो द न्यू पंजाब डिसेबल्ड एंपावरमेंट स्कीम वुड बी इम्प्लीमेंटेड इन फेज वाइज तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है योजना है दैट इज़ पंजाब दिव्यांगजन सक्तिकरण योजना दो हज़ार बाईस फॉर द पर्सन विद डिसबिलिटी विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द फेज वाइज सो इसका जो फर्स्ट फेज होगा उसमें होगा क्या उसमें जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स है वॉट एवर द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स आर देयर ऑफ द डिपार्टमेंट्स उन्हीं एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स को किया जाएगा इनके पास मतलब ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है इनके पास वो फोकस किया जाएगा ठीक है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है कम से कम उसका बेनिफिट तो इन आ, इन लोगों इस इस सेक्शन के पास पहुंचे ओके okay? उसको और थोड़ा बेटर एफिशिएंसी के साथ प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है दिस वुड इंक्लूड द सर्विसेज बेनिफिट्स एंटाइटलमेंट्स रिलेटेड टू हेल्थ केयर एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी डिग्निटी इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ राइट right? सो so, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फेज टू ऑफ पंजाब दिव्यांगजन शक्तिकरण योजना जिसके अंदर क्या होगा शेल हैव द न्यू इनिशिएटिव एंड प्रोग्राम जो एग्जिस्टिंग है वो तो ठीक है इसके अलावा भी देखे जाएंगे ऐसे कॉर्नर्स ऐसी जगह एजेस जहां पे जरूरत है एक पर्सन विद द डिसेबिलिटी वाले इंसान को तो उसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे तो ये इनिशिएटिव्स जो होंगे ये वो एस्पेक्ट्स और नीड्स को कवर करेंगे जो एग्जिस्टिंग सेंट्रल या स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत जो है कवर नहीं होते सो so ये जो प्रोग्राम होगा विल दैटसाइजिंग द अलाइनमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम एंड प्रोग्राम्स टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट फॉर द पर्सन विद डिसबिलिटी ठीक है और इस फेज uh, टू के अंदर जो होगा दैट कवर दर्टीन एरिया तेरह को कवर किया जाएगा जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ सफरिंग डिसेबिलिटी मोबिलिटी एड्स प्रोवाइड की जाएंगे असिस्टेंस डिवाइस प्रोवाइड किए जाएंगे देन फाइव डेज ऑफ स्पेशल लीव इन अ कैलेंडर ईयर दिया जाएगा फ्री एजुकेशन एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबल्ड गर्ल्स स्टूडेंट्स देन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होंगी होम स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स होगा देन स्टेट अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क डन बाय द टीचर्स राइट right? तो ये सारी चीजें जो होंगी ये इस के अंदर होंगी फेज टू के अंदर इस तरीके से इस योजना को दैट इज पंजाब दिव्यांगजन शक्तिकरण योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कंसल्टेटिव ग्रुप जो है उसको बनाया जाएगा क्या बनाया जाएगा कंसल्टेटिव ग्रुप विच इज हेडेड बाई दिनिस्टर ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ठीक है कंपोज ऑफ ऑलिस्टर्स ठीक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम ओवर सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोग्राम और अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑल दीज में स्टेट गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू सक्सेसफुल इंप्लीमेंट द पंजाब दिस पर्टिक्युलर योजना फॉर द वेलफेयर ऑफ हैंडीकैप्ड पर्सन राइट तो इतना आप याद रखिएगा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पंजाब सिलेज, बैलर कम रैपर मशीन सब्सिडी स्कीम 2022। हजार so बाईस ये जो सब्सिडी स्कीम है इसमें क्या बेनिफिट हो रहा है क्या नहीं बेनिफिट हो रहा है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने हैज लॉन्च दिस न्यू सब्सिडी स्कीम फॉर दिस मशीन तो कितना सब्सिडी मिल रहा है कितना बेनिफिट मिल रहा है देखिए ये जो स्कीम है दैट वुड प्रोवाइड द फार्मर्स फोर्टी परसेंट ऑफ दी फोर्टी परसेंट सब्सिडी फॉर द परचेज ऑफ दिस मशीन दैट एंडलीमेंट दिल बी इंप्लीमेंटेड बाईल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड ऑबली इसका ऑब्जेक्टिव यही है ऑब्जेक्टिव ये प्रमोट द मिल्क प्रोडक्शन इन द स्टेट एंड मेक इट मोर एडवांस एंड प्रोफिटेबल ठीक है क्योंकि मशीन से क्या होता है जल्दी से जल्दी आ, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है एफिशिएंसी से प्रोडक्शन बढ़ेगी प्रोडक्शन से अल्टीमेटली आपका सारी चीजें प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाती है राइट right? अब देखिए द प्रोजेक्ट विल मॉडर्नाइज द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द ग्रीन फॉडर इन द स्टेट ठीक है एंड ऑल्सो ये जो स्कीम है इट विल नॉट ओनली हेल्प इंक्रीज द ग्रीन फॉर्डर ठीक है जो हरा जो घास फूस होता है उसको नहीं उस उस एरिया को इंक्रीज नहीं करेगी सिर्फ बल्कि इट विल ऑल्सो रिड्यूस द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स ठीक है तो कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स जो है जैसे वीट और पैडी है जो ऑब्वियसली uh, uh, जैसे ग्राउंड लेवल आपको पता है कि पंजाब के अंदर ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बहुत ही वार्निंग स्टेज में है वार्निंग स्टेज में मतलब इसकी जो डेफिशिएंसी है ग्राउंड वाटर बहुत कम हो रहा है पंजाब के अंदर ठीक है इसका रीजन ये भी है कि टोपोग्राफी पंजाब की इस तरीके से है राइट right? कि धीरे धीरे पानी एक जगह पे ही इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और बाकी जगह पे डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है राइट right? बट फिर भी जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स है जैसे वीट एंड पैडी विच रिक्वायर्स वॉटर ठीक है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है वाटर की डेफिशिएंसी ग्राउंड वाटर लेवल पे वाट ग्राउंड वाटर लेवल जो है कम होते जा रहा है ठीक है तो इससे क्या होगा इससे ऑब्वियसली ग्रीन फॉर्डर एरिया बढ़ जाएगा और जो क्रॉप कल्टीवेशन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा एंड अल्टीमेटली इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल इन द स्टेट राइट और यहाँ पे जो है इस स्कीम के तहत फार्मर जो है जो ये पर्टिकुलर सिलेज बैलर एंड कम रैपर मशीन खरीद रहे बी एबल टू गेट अ सब्सिडी ऑफ टू 5.60 पॉइंट बाय द गवर्नमेंट ठीक है? तो आप ध्यान दीजिएगा इसको राइट अब नेक्स्ट हम लोग बता बात करते हैं कि पंजाब चीफ मिनिस्टर अनाउंस द लॉन्च ऑफ मेरा काम मेरा अभियान अभिमान योजना ठीक है मेरा काम मेरा अभिमान योजना एज ए जॉब क्रिएटिंग प्रोग्राम फॉर द अर्बन वर्कर्स तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इट इज नॉट फॉर दी बोथ कैटेगरी जो वर्कर्स के हैं रूर है अर्बन है, है नहीं इट इज ओनली फॉर दी अर्बन ठीक है ओनली फॉर द अर्बन पीपल ठीक है अर्बन वर्कर्स राइट सो ये जो रोज ये जो स्कीम है द स्कीम हैज बीन स्टार्टड बाई द स्टेट गवर्नमेंट अंडर किसके अंडर है ये इट इज घर घर रोजगार एंड कारोबार मिशन ठीक है तो ये दो चीजें आप याद रखिएगा इस स्कीम के तहत होने क्या वाला है मेन गोल तो यही है कि जॉब प्रोवाइड करवाना टू हर फैमिली मेंबर फैमिली इन स्टेट अंडर दिस प्रोग्राम द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आल्सो टू द अर्बन वर्कर्स ठीक है ओके okay. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाँ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि तीन दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है थ्री डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन द साइंटिफिक पिग फार्मिंग फॉर दी शेड्यूल्ड कास्ट फार्मर्स ऑफ द पंजाब अंडर द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इसको ऑर्गेनाइज किया गया ठीक है, है? है तो तीन दिन का साइंटिफिक पिग फार्मिंग का यह ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो दिया जा रहा है शेड्यूल्ड कास्ट फार्मर्स ऑफ पंजाब को इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत दैट इज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ठीक okay. है? है? अब क्या उसके उसके बाद accommodation, उसके बाद nutrition के बारे में जो है वो फार्मर्स जानेंगे और साथ ही साथ देडरस्टैंड हेल्थ ऑफ क्या होता है ठीक है उनको पता चल जाएगा डे टू डे प्रैक्टिसेस कैसे फॉलो करते हैं एक्टिविटीज होती हैं, जैसे हैंडलिंग हो गया टेम्परेचर हो गया रिकॉर्डिंग कटिंग नीडल टीथ होते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीजें उनको ट्रेन किया जाएगा तीन दिन के आ, ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर ताकि जो है आ, उनको जो है बेटर एक अपर्चुनिटी मिल पाए बेटर वो एक तरीके से फार्मिंग कर पाए ठीक है और एक सेकेंडरी इनकम का भी सोर्स बन पाए उनका और एट द एंड ऑफ गेट द सर्टिफिकेट्स गे दे दे टू द ट्रेनिंग ट्रेनिंग आल्सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पंजाब का फ्री सैनिटरी नैपकिन स्कीम दो ठीक है तो इस फ्री सैनिटरी नैपकिन स्कीम 2022 हजार बाईस को स्कीम uh, को हम लोग यह भी कहते हैं कि इट इज अ पंजाब उड़ान स्कीम ठीक है तो पंजाब उड़ान स्कीम जो है और पंजाब फ्री सैनिटरी नैपकिन स्कीम जो है वो उसका दूसरा ही नाम है ठीक है इस स्कीम के तहत होगा क्या द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पंजाब फ्री सैनिटरी नैपकिन दो हजार बाईस इज टू प्रोवाइड द विद फ्री सैनिटरी नैपकिन क्या है इज टू प्रोवाइड विद द फ्री सैनिटरी नैपकिन ठीक है और इस स्कीम में ये भी ऑब्जेक्टिव है कि जो लोग हैं लो, लोगों का एक स्टिग्मा है टूवर्ड्स दी सैनिटरी नैपकिंस या फिर हम लोग जो है बात नहीं कर पाते हैं तो ये जो डिबेट है पब्लिक डिबेट है इसको नॉर्मलाइज करना दैट इट इज़ इन अदर वे ऑफ डिस्कशन ये भी एक एक नॉर्मल डिस्कशन है राइट एंड वी हैव टू टॉक अबाउट द मैंस्ट्रल हाइज हाइजीन इसको इसको जो है और ज़्यादा इम्प्रूव uh, करना उड़ान इज अ गुड इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज राइट ऑफ एवरी वुमेन ठीक है सो यह स्कीम को लॉन्च किया गया एंड फ्री सैनिटरी नैपकिन विल बी प्रोवाइडेड ईच मंथ टू नीडी वुमेन एट स्टेट और आंगनबाड़ी सेंटर्स के अंदर भी एज पार्ट ऑफ उड़ान प्रोग्राम ठीक है अब हम लोग ना कुछ डेटा के ऊपर चलेंगे ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 की रिपोर्ट कहती है से पैंतालीस 15 -15 साल के हैं हाइजीन प्रोटेक्शन मैथड ड्यूरिंग सिर्फ फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ वीमेन ठीक है अर्बन एरियाज में बात करें तो सिचुएशन थोड़ी सी बेटर है रूरल एरियाज के कंपेरिटिवलीवेंटी एट परसेंट अबाउट 78 परसेंट ऑफ वेमेन इन अर्बन एरिया एंड फिफ्टी परसेंट ऑफेन इन द रूरल एरिया है या फिर लोकली प्रिपेर टैप हाइजीन मेथड्स ठीक है तो देव वेरी लेस नॉलेज अबाउट दिस मैं हाइजीन इसके बारे में उनको नहीं इतना नॉलेज है तो ये चीजों के द्वारा जो है ये स्कीम के द्वारा एक तो उनको फ्री में सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे और साथ ही साथ उनको थोड़ा अवेयर भी किया जाएगा इन चीजों के बारे में ठीक है तो इस एक और डेटा है सर्वे का अकॉर्डिंग टू द सर्वे रिपोर्ट 45% फाइव परसेंट ऑफ वुमेन एज फिफ्टीन टू ट्वेंटी फोर इन द स्टेट आर एट द ग्रेटर रिस्क ऑफ बींग एक्सपोज टू मैं हाइजीन रिलेटेड डिजीजेस ओके एंड सच वेमेन मे बी एक्सपोज टू फंगल इन्फेक्शन हो गया यूरनेरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया या अदर जो है हेल्थ डिजीजेज़ जो है उनको बहुत आसानी से हो जाती है नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जिनका नाम है कौन है ये रज़िया सुल्तान ठीक है मिनिस्टर हैं इसकी रिसेंटली लॉन्च दिस प्रोजेक्ट इन मलेरकोटला

वेमेन रिलेटेड डिजीजेज दैट अकर इन द स्टेट सिक्सटी परसेंट आर ड्यू टू नॉन एडरेंस टू मैंस्ट्रल हाइजीन मतलब सिक्सटी परसेंट जो जितनी भी वेमेन रिलेटेड डिजीज है उसमें साठ प्रतिशत जो हिस्सा है वो है मैंस्ट्रल हाइजीन को फॉलो नहीं कर पाना इसी लिए ज़्यादा डिजीजेज फीमेल्स को होती हैं राइट सिक्सटी परसेंट उसका कारण बन जाता है

न डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं आप प्रिपेयर कर सकते हैं आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और आ, अपना जो टारगेट है उसको जल्दी से जल्दी अकम्पलिश कर सकते हैं विद द फ्लाइंग कलर्स राइट विद दसोसिएशन विदिमन्यू आई एस एंड अभिपीडियर राइट चलिए सो आज की क्लास में इतना ही आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर थैंक यू एंड कीप वर्किंग